की दबंगई की खबर फिर से सामने आई है। बता दें कि बाराबंकी में दबंगई दिखाते हुए नेता ने ट्रैफिक कांस्टेबल पर कार चढ़ा डाली और कांस्टेबल को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती किया गया। यूपी के बाराबंकी में एक दबंग नेता ने ट्रैफिक कांस्टेबल के पैर पर कार चढ़ा दी। इतना ही नहीं, कार चढ़ाने के बाद ही दबंग नेता उल्टे ट्रैफिक कांस्टेबल पर ही रौब झाड़ने लगा। इसी दौरान वहां मौजूद एक शख्स ने उस पूरे मामले की मौके पर ही एक वीडियो बना डाली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रही है। फिलहाल तो कांस्टेबल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल होता दिख रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे दबंग नेता कांस्टेबल को हड़काते हुए कह रहा है कि बदतमीजी से बात मत करो। यहाँ नेता की दबंगई ये देखिए कि उसने कांस्टेबल पर पहले कार चढ़ाई और उल्टा कांस्टेबल को ही धमकी देते हुए कह रहा है कि बदतमीजी से बात करोगे। हालांकि एक पुलिसकर्मी इस दबंग नेता को मौके से थोड़ा दूर ले जाता है। बता दें कि पूरा मामला रामनगर इलाके का बताया जा रहा है। सावन के आखिरी सोमवार के चलते लोधेश्वर महादेवा मंदिर पर भक्तों की काफी भीड़ थी। ऐसे में ट्रैफिक हेड कांस्टेबल फिरोज आलम की चौका घाट के पास मरना में ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान मरना गांव के रहने वाले हरिहर सिंह ब्लॉक प्रमुख लिखी कार से जा रहे थे, लेकिन हेड कांस्टेबल फिरोज आलम ने उन्हें आगे जाने से मना कर दिया और उन्हें रोक लिया। फिर क्या था, नेताजी का पारा हाई हो गया और उनका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया और उन्होंने सीधा कांस्टेबल पर कार चढ़ा दी और उल्टा उससे ही धमकी देते हुए उस पर चिल्लाने लगे। घटना में कांस्टेबल फिरोज आलम के पैर में काफी चोट आई है। फिरोज आलम को पहले रामनगर CHC में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। इसी के साथ आपको बता दें कि कार चालक ये दबंग नेता पूर्व पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। रामनगर पुलिस के मुताबिक अभी कांस्टेबल ने शख्स के खिलाफ कोई तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए देशित न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।